जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक हमें डिस्कस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, किस तरीके से एटम्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने सुपरफिशियली चंद बातें डिस्कस की थी। उनमें हमने ये बात डिस्कस की थी कि लेट्स से कि अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स की तादाद अगर वन है, लेट्स से एक कार्बन एटम है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? दिस वुड बी CH4। देन अगर ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें दो कार्बन मौजूद हैं, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए? C2H6। और इन एटम्स की अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ किस तरीके से होती है, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में जो लेक्चर वन था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हवाले से, उसमें हमने ये बातें डिस्कस की हुई हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो पहले उससे आप अच्छी तरीके से समझ लें, देन आपको ये टॉपिक भी समझ में आ सकेगा। सो लेट्स सी थ्री, अगर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन मौजूद किसी भी कंपाउंड के अंदर, सो द फॉर्मूला वुड बी C3H8। For the four number of carbon, this is C4. It's 10. For five, this is C5. It's 12. Six, this is C6. H14. This is 7. C7. H16. For 8, C8H18, and for 9, this is C9H20, and for the 10 carbons, when the molecule, there are 10 carbon atoms in the molecule, so the number of hydrogen would be 22. वेल, इन तमाम अगर कंपाउंड्स की हम बात करें, हमने ये 1 से लेके 10 तक हमने सीरीज बनाई है। इन तमाम कंपाउंड्स में हम जब भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड मौजूद हो तो उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर, यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एटम की तादाद ओनली वन है, तो इसको हम एक नाम देते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द मीथेन, M-E-T-H-A-N-E, मीथेन। अगर कार्बन एटम्स की तादाद किसी भी मॉलिक्यूल में दो हो, देयर आर टू नंबर ऑफ कार्बन, तो इसका नाम क्या होता है? इथेन, E-T-H-A-N-E, इथेन। देन फॉर द थ्री कार्बन, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द प्रोपेन, then butane, this is pentane, this is hexane। ये मैं तो हम कंपाउंड लिख देता हूं। heptane, this is octane। Next is for the having 9 carbon, that is what is the nonane, and the last is the decane। अब देख रहे हैं कि इन तमाम कंपाउंड्स के नामों के आखिर में ANE इस्तेमाल होता है हमेशा। तो यहां पर हम चेंजिंग क्या होती है, अगर एक कार्बन है, सो दिस इज व्हाट इज द मिथ, मिथ के साथ एन का वर्ड प्रोनाउंस करना है आपने, ANE, सो दिस इज मिथेन। दो कार्बन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। सो ये आपने नाम हर कंपाउंड्स के आपने याद रखने, और ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। पहले ये आपके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद ही इन चीजों को आप आगे समझ सकते हैं, क्योंकि बाद जगहों पर किसी चीज की डिस्क्रिप्शन में यूं लिखा हुआ आएगा कि एक पेंटीन है जो रिएक्शन कर रहा है,
आपको सिर्फ पेंटेन बताया जाएगा, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि पेंटेन का मतलब क्या हुआ, दे आर 5 कार्बन्स एंड 12 हाइड्रोजन्स, इसकी बात हो रही है। तो ये एटवंस इसको आपने रिप्लाई करना है आपके माइंड में, फौरन ही ये आप तमाम मॉलिक्यूल्स के नाम लिए जाए तो उसका स्ट्रक्चर आपके ध्यान में आ जाना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ध्यान में आ जाना चाहिए, या अगर आपके सामने कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा जाए या नंबर ऑफ कार्बन की तादाद सिर्फ बताई जाए तो आपको उसके नाम मालूम होने चाहिए। कि अगर आपसे यूं कहा जाए कि एक कंपाउंड है जिसमें 7 कार्बन मौजूद हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 7 कार्बन मौजूद हैं, तो उसका नाम क्या होना चाहिए, तो यू शुड इंस्टेंटली शुड रिप्लाई दिस इज द हेप्टेन। अगर किसी कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन मौजूद हैं सो यू शुड रिप्लाई प्रोपेन, राइट। नो, ये नाम जानने के बाद अब तो इस बात को समझिएगा कि मैं थोड़ा सा इसमें आपको ओवरव्यू दे दूं कि जो हमने इससे पहले बातें डिस्कस की थी। लेट्स से कि ये एक प्रोपेन मॉलिक्यूल है, तो प्रोपेन की कनेक्टिविटी किस तरीके से थी कि हमने ये सीखा था कि ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और एक तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन एटम मौजूद हैं, तो इसलिए हमने अटैचमेंट की, तो एक कार्बन दूसरे कार्बन से धारे के कनेक्टेड तो होंगे, यहाँ भी कनेक्शन मौजूद है, तो ये तीनों कार्बन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। हमें साथ साथ ये बात मालूम है कि हर कार्बन की जो अपनी वैलेंसी है वो 4 होती है, यानी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड कर सकते हैं, इसके 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी बॉन्डिंग के लिए ये आपस में इसके इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर लिया और यहाँ पर भी ऐसी बॉन्डिंग हो रही है। अब देखेंगे कि आप ये फर्स्ट कार्बन इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं। सो लेट्स से कि दिस इज द बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग यहाँ हो गई, देयर इज अ सेकेंड बॉन्डिंग एंड देयर इज अ थर्ड बॉन्डिंग, ये इसके चारों हाइड्रोजन एंगेज हो गए ऐसे। नाउ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, 2, so this is 1 and this is 2. इसके कितने electrons free हैं? 3, so हमने 3 यहाँ पर attachment कर दी along with the hydrogen, so these are the attachment of the hydrogen with the carbon atoms. Now let's count the number of carbon and hydrogen. Carbons की तादाद कितनी ली थी हमने? 3 तादाद, carbon की 3 यहाँ पर मौजूद। Now let's count the hydrogens. This is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, this is the C3H8. So this is what is the formula. पिछले लेक्चर मैंने बताया था आपको कि हर मर्तबा एक कार्बन के एडिशन से हमेशा 2 हाइड्रोजन्स में इजाफा होता है। यहाँ भी चेक कीजिएगा, 4 से 5 पे गए तो 10 से 12 हो गया, 5 से 6 पे गए तो 12 से 14 हो गया। okay? No, एक तो ये बात हो गई। अब असल जो आपको समझने की बात है वो ये कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और उस चारों जगहों से कुछ ना कुछ अटैचमेंट होना जरूरी है, तो वो कंपाउंड मुकम्मल हो जाता है। नो, लेट्स चेक कि अब अगर हमारे पास एक कंपाउंड इस तरह से मौजूद है, दिस इज 1 सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, और इसमें एक चौथा कार्बन मौजूद है, लेकिन वो ये इस पोजीशन पर मौजूद नहीं है बल्कि इस पोजीशन पर मौजूद है, दिस इज द कार्बन। हमें ये करना है कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसकी वैलेंसी फिल करनी है, तो यहाँ पे चेक कीजिएगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं इसमें इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ कि इसका ये इलेक्ट्रॉन, द सेकेंड, थर्ड, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, एक ने यहाँ से बॉन्डिंग की है, एक यहाँ से और एक ये इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद इसका, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, एंड द सेम इज ओवर हियर, 1, 2, 3, and 4. नो, इसमें हाइड्रोजन्स को अगर हम फिल करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं? 3, सो देयर शुड बी 3 हाइड्रोजन्स, एंड देयर शुड बी 3 हाइड्रोजन्स। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन्स मौजूद? 3 अटैचमेंट होगी क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, सो देयर शुड बी 3 अटैचमेंट्स। यहाँ पर भी 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, so there should be 3 attachments, CH3, CH3,
होगा। वेल दिस इज एच नॉट द सी एच राइट। नो इस कार्बन की देखें तो अगर आप इसमें तीनों तरफ से तीन इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से अटैच हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहां पर क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को हम इन शॉर्ट हम कैसे लिखते हैं? व्हाट वी राइट, दिस इज व्हाट इज द सी एच थ्री बॉन्डिंग सी एच, क्योंकि एक हाइड्रोजन मौजूद के साथ है, हमने क्या कर दिया सी एच। देन नीचे क्या अटैच है इसके? कार्बन, वो ये वाला कार्बन। इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं? थ्री, वन टू थ्री। सो हमने क्या लिखा, दिस इज सी एच थ्री। देन इस कार्बन में वापिस आते हैं, इसको हमने सी एच लिखा था, दिस इज व्हाट इज द सी एच। देन बॉन्डिंग इसके साथ क्या मौजूद है? सी एच थ्री। तो दिस इज व्हाट इज द बॉन्डिंग सी एच थ्री। यहां पर इसको मेंशन करने के लिए लेट्स से यहां चेक कीजिएगा कि ये जो सी एच थ्री है वो कौन सा है, दिस इज व्हाट इज द सी एच थ्री। देन ये वाला सी एच थ्री इज द सी एच थ्री, इसको हमने इन शॉर्ट कैसे लिखा है, वो ये लिखा है सी एच थ्री। देन लेट्स से दिस इज व्हाट सी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हमने कैसे लिख दिया, दिस इज व्हाट इज द सी एच। एंड रिमेनिंग पार्ट जो कि आप समझ सकते हैं कि दिस पार्ट दिस इज द सी, इसके साथ तीन एच मौजूद है, तो ये भी क्या हो गया सी एच थ्री। सो दिस मॉलिक्यूल, इसे हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमें ये सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम यूजुअली हम कंपाउंड्स को हमने इसी फॉर्म में लिखना है बजाय इसके कि हम इस तरह से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग शो करें। यानी अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कंपाउंड को हमें इसी फॉर्म में लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, दिस विल बी सी एच थ्री, बॉन्डिंग के बाद सी के साथ दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो दिस विल बी द सी एच टू, देन बॉन्डिंग सी एच थ्री। ओके, नाउ अब सेकेंड कंपाउंड की तरफ हम जाते हैं। लेट्स से कि एक और हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, उसमें चार कार्बन मौजूद है, एंड मॉलिक्यूल इज लाइक दिस, दिस इज द फोर अरेंजमेंट ऑफ द फोर कार्बन एटम्स। तो ये हमने कंपाउंड एक ड्रॉ किया, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम्स, में चार कार्बन एटम अटैच है। ये बात तो हमें मालूम है कि कार्बन एटम, कोई भी कार्बन एटम हो उसकी चार वैलेंसी होती है और हर जगह से कोई ना कोई एक अटैचमेंट जरूरी है। तो इस कार्बन से एक तो अटैचमेंट यहां हो चुकी, तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं? थ्री। तो हमने क्या लगाना होगा यहाँ पर, थ्री हाइड्रोजन एटम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, इस कार्बन के साथ कितनी अटैचमेंट ऑलरेडी मौजूद है? टू, दिस इज वन, दिस इज टू। तो कितने अटैचमेंट्स बाकी रह गई? तो दो अटैचमेंट बाकी रह गए, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इसका मतलब कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे इससे, सी एच टू। इन द सेम वे इस कार्बन के साथ भी कितने हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए, क्योंकि दो अटैचमेंट यहां मौजूद है, तो देयर शुड बी द टू हाइड्रोजन एटम्स। नाउ द लास्ट वन, इस कार्बन एटम के साथ क्योंकि एक ही अटैचमेंट मौजूद है, इसके तीन इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो क्या होना चाहिए, दिस इज द सी एच थ्री। नो यहां चेक कीजिएगा कि इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनता है। अगर इसमें हम नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को अगर हम काउंट करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, कार्बन की तादाद कितनी है, वन टू थ्री फोर, तो दे आर फोर कार्बन एटम्स। नाउ लेट्स काउंट अबाउट द हाइड्रोजन, थ्री टू दो हाइड्रोजन मौजूद है, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, तो हाइड्रोजन की तादाद कितनी हो गई, सी फोर एच टेन।
इस मॉलिक्यूल को देखें तो इस मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जो हमने इससे पहले बनाया था, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन, यहां भी चार कार्बन। हाइड्रोजन की तादाद 3, 3, 3, 9 हो गए, और एक क्या होना चाहिए, 10। सो दिस द C4H10। यानी हमने ये बात सीखी यहां पर कि हम चाहे कार्बन को किसी भी तरीके से अरेंज करें, उनकी तादाद अगर मॉलिक्यूल्स में सेम है तो इसका मतलब है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम ही होगा, C4H10। यानी अगर कार्बन की तादाद 5 है अगर किसी मॉलिक्यूल में, तो इसका मतलब इसकी अरेंजमेंट हम चाहे कैसी भी करें तो हमेशा नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होने चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सरसाइज, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। Let's say you have to solve this, कि अगर हमारे पास 5 कार्बन मौजूद हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एक ये मॉलिक्यूल है, दूसरा ये मॉलिक्यूल है, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज द 5 कार्बन, और एक हमारे पास मॉलिक्यूल क्या मौजूद है, दिस इज 1, 2, 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। इन तीनों में हाइड्रोजन को आप फिक्स करें, और हाइड्रोजन फिक्स करने के बाद इन तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को लिखें कि किसमें कितने हाइड्रोजन और कितने कार्बन मौजूद हैं। दिस मस्ट बी सेम, इन तमाम के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होना चाहिए। चेक कीजिएगा इसे, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ इस बात को समझिएगा कि जो बहुत ही अहम यहाँ पर टॉपिक है हमारे पास, लेट्स सी, ये हमारे पास एक आयना मौजूद है, मिरर, ओके, और यहाँ हम अपना एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। लेट्स सी द मॉलिक्यूल इज दिस इज CH3 bonding, CH bonding, CH3 bonding, CH2 bonding, CH3। नो, ये एक कंपाउंड मौजूद है, और इस कंपाउंड को हमने यहां पर सामने एक आईना रख दिया, मिरर, और इस मिरर में हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो हमें ये मॉलिक्यूल कैसा नजर आएगा, हमें ये मॉलिक्यूल को किस तरह से नजर आएगा, ये CH3 सबसे पहले, यानी दिस विल बी द CH3, देन CH2 ये नजर आएगा हम, देन CH, देन CH3, ओके, और इसके नीचे क्या मौजूद होगा, दिस इज व्हाट इज द CH3, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। तो क्योंकि इस मॉलिक्यूल की जो इमेज है वो मिरर में हमें नजर आ रही है, इसका मतलब कि आपको वो चीज अगर आपको मिरर में नजर आए तो हमें वो चीज मिरर में देखने पर अपोजिट नजर आती है, लेकिन क्या उस चीज की हैसियत में कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज की हैसियत वहीं के वहीं रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल जो हमने यहां ड्रॉ किया, दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज द नंबर 2, ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हैं, सेम। अब एक और बात को समझिएगा, लेट्स से जिस तरह से मैंने यहां एक मिरर की आपको मिसाल दी, सिमिलरली इस मॉलिक्यूल के साथ भी यहां पर भी एक मिरर मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द मिरर, ओके। अब इसे हम इस मॉलिक्यूल को, यानी ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, इस मॉलिक्यूल को मैं यहां मिरर में देख रहा हूं,
तो हमें क्या नजर आना चाहिए, ये जो सी एच मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द सी एच, इस सी एच के ऊपर क्या नजर आएगा हमें, सी एच थ्री, ऐसी है ना, ये हमें सी एच थ्री ऊपर नजर आना चाहिए, दिस इज व्हाट इज द सी एच थ्री। देन हमारे सामने क्या मौजूद है, सी एच टू, देन दिस इज व्हाट इज द सी एच थ्री, और यहां पर सामने क्या मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द सी एच थ्री। वेल मैं इसको वैसे ही बनाता हूं, हालांकि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि हम इसमें C और H3 पहले लिख दें और जिस तरह से यहां लिखा है वैसे लिखें, बात एक ही होती है। सो दिस इज अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ थर्ड मॉलिक्यूल, ये जो थर्ड मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये थर्ड मॉलिक्यूल भी क्या है, सेम, बिकॉज दिस इज अ मिरर इमेज, क्योंकि मिरर इमेज है इसका मतलब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल वैसे ही बनना चाहिए, है ना। तो ये वन टू थ्री, ये तीनों के तीनों सेम कंपाउंड्स हैं। Let's talk about the next one. Let's say अब हमारे पास ये कंपाउंड मौजूद, कंपाउंड नंबर टू, तो इसको हम मिरर में देख रहे हैं, तो हमें ये कैसे नजर आना चाहिए, Let's draw this. ये सी एच हमने बना दिया कहां, This is सी एच, ये सी एच थ्री हमें कहां पर नजर आना चाहिए, इस कार्बन के ऊपर, This is what is the सी एच थ्री, देन दिस इज द सी थ्री, और ये सी एच के साथ क्या मौजूद है, नो वेल वंस अगेन आई हैव टू राइट सी एच टू, देन दिस इज द सी एच थ्री, दिस इज व्हाट इज द कंपाउंड नंबर फोर। अब जरा इस बात को समझिएगा कि हालांकि हमने इस थ्री को मिरर इमेज नहीं लिया, बट यू कैन सी ये कंपाउंड नंबर फोर ऑटोमेटिकली कंपाउंड नंबर थ्री का मिरर इमेज बन गया। तो ये आपको बजाहिर दिखने में कंपाउंड नंबर वन टू थ्री, थ्री एंड फोर, ये चारों कंपाउंड एक दूसरे से आपको बजाहिर तो मुख्तलिफ लगेंगे, लेकिन हकीकतन ये एक ही कंपाउंड है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप अपने हाथ को किसी भी डायरेक्शन से आप देख सकते हैं, तो हर मरतबा अपने हाथ को आप रोटेट करेंगे तो वो आपको एक डिफरेंट इमेज पेश करेगा, लेकिन उसकी हैसियत में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कंपाउंड का मामला भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कंपाउंड कोई कॉपी पे लिखने वाली चीज तो है नहीं, ये तो हमें समझने के लिए हमें ज़ाहिर कॉपियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, हमें बुक्स का इस्तेमाल करना होता है। तो हकीकतन तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ऐसे हैं, थ्री डी स्ट्रक्चर है और वो किसी भी फॉर्म में रोटेट कर रहा है, तो हमने इस मॉलिक्यूल को, इसी रोटेशन को हमें समझना है कि वो किसी भी फॉर्म में पाया जा सकता है। तो आपको असल में किस काबिल होना है कि आपको इस बात को समझना होगा कि ये मॉलिक्यूल अगर आपके सामने मौजूद है तो आप समझ सकें कि इस ये मॉलिक्यूल और इसका ये वाला मामला दोनों सेम एक जैसे हैं। इन द सेम वे कि ये मॉलिक्यूल भी वही है और ये मॉलिक्यूल भी वही है, ये पहचानना अगर आपको आ गया तो बासानी आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकेंगे, ठीक है। सो होपफुली कि आपकी ये बात समझ में आई होगी, इंशाल्लाह इसके आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे।